पड़ोसी राज्य हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उनकी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए वह किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। भगवंत मान ने वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज हम एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक दशक के भीतर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हम दो राज्य दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रहे हैं। हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए हम किसी भी राजनीतिक दल से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। मान ने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने सभी दलों को मौके दिए हैं, लेकिन कोई भी यहां के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही हैं, ऐसे में हमारी उम्मीदें बहुत हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच बहुत समानताएं हैं। आधा हरियाणा पंजाबी बोलता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी 20 जुलाई को हरियाणा के लिए केजरीवाल की गारंटी जारी करेगी। इस मौके पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहेंगी। आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। जब से हमने गुजरात में 14% वोट हासिल किए, तब से ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन द्वारा आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। और सिर्फ 10 साल में नेशनल पार्टी बनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। 2 स्टेटों में हमारी सरकार है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, सिंगौली में हमारा मेयर है, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, एमसीडी हमारे पास है, राज्यसभा के पंजाब से हैं, 3 हमारे दिल्ली से हैं। तो एक बहुत अच्छी हाजिरी लोकतंत्र के सभी संस्थाओं में हमारी है। तो हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी विधानसभा की, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। तो हरियाणा के लोग, जब भी हम इससे पहले भी रोहतक गए, टोहाना गए, जींद गए, सोनीपत गए, तो लोगों ने हमसे ये आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते, हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं। क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी भी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। तो इस हरियाणा के इस लॉन्चिंग का आज पहला दिन है। आपके पीछे भी लिखा हुआ है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर मिलता है पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा से कल्चर मिलता है। तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है, क्योंकि ये टोहाना, जाखल, ये पूरा हरियाणा डबली तक वो हमारे पंजाब से टच करता है, रतिया, फतेहाबाद, कैथल, तो ये पूरा पंजाब ही है, रिश्तेदारियां भी हैं, है ना।
मैं वही तो कह रहा हूं तो रिश्तेदारियां भी हैं, थोड़ा इजी रहेगा, और रिश्तेदारी भी ऐसी है कि मेहनत तो उनको करनी पड़ेगी। तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारी पार्टी जो है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी जो है लड़ेगी। अभी जलंधर बड़े मार्जिन से जीते, 60% के लगभग 60% वोट पड़े, जो आमतौर पर बाई इलेक्शन में होता नहीं है ऐसा।